Zombie Apocalypse. तो गाइस यार आ चुके हैं और एक नए शानदार बेहतरीन गेम प्ले के साथ। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है 1v1 कस्टम और आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस मतलब यहाँ पे एक बंदा ने मुझे चैलेंज किया था कि 1v1 कस्टम के लिए, तो मेरा पिंग के ऊपर भी ध्यान रखना क्योंकि मेरा पिंग मेरे साथ बहुत ही मतलब चूतियापंती कर रहा था। तो आप लोग यहाँ पे देखते रहिए गेम को और इन्जॉय कीजिए। तो गाइस यार यहाँ पे हो चुका है मेरा HP एकदम लो, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है आगे जाकर। तो गाइस यहाँ पे मैं सोचा कि मैं उसे मार दूंगा, मेरा HP भी लो था और उसका भी देखिए 5 HP करके छोड़ दिया हूँ। मतलब ऐसा 5 HP हो गया और मैंने मतलब इतने मारने के बाद भी अगर 5 HP रह गया तो मतलब कैसा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई। तो यहाँ पे फिर से फैक्ट्री पे आ चुके हैं। अरे यार मैं गलती मतलब इतना गलती काहे को करता हूँ भाई, मतलब मार्स इलेक्ट्रॉनिक को मैं फैक्ट्री कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं ग्लोअल देते देते जा रहा हूँ, मेरा ग्लोअल लेट पड़ रहा है क्योंकि 164.62 का पिंग दे रहा है, तो इतना ठीक है 62.65 मतलब 61.62 तो। पर अगर पिंग इससे ज़्यादा मतलब 200-300 हो जाए ना तो मतलब एकदम बुरा हो जाता है मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं मेडिकेट कर रहा हूँ, उसका हो चुका है 3 और मेरा 0। तो यहाँ पे मैं अंतिम युद्ध बैटल मतलब अंतिम युद्ध लड़ रहा हूँ, मतलब मेरा हाई पिंग के साथ और उसका लो पिंग के साथ मेरा सामना हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वो घूम कर आएगा तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ ग्लोअल देते हुए, तो उसका यहाँ पे जो रास्ता है वो रोकने के लिए। तो यहाँ पे देखा कि वो नहीं आ रहा, तो फिर मुझे पता चल गया कि वो इस तरफ से आ रहे हैं। तो पता नहीं लोखंड लौंडा क्या चला रहा है जो मतलब इतना लॉन्ग से इतना कम डैमेज दे रहा है। तो मैं यहाँ पे मारने गया तो मैंने सोच लिया कि वो घूम कर आएगा और मेरा सोच ही सही हुआ कि घूम कर आया। मेरा ग्लोअल लेट पड़ने की वजह से मैं यहाँ पे अटक गया और अटकते लटक भी गया। और यहाँ पे ओ अरे यार डिफीट ले लिया यार, मैं तो सोचा मार दूँ, मैंने सोचा कि उसे मार दिया मैंने। तो ये है दूसरा राउंड। तो असल में यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा मतलब हाई पिंग हुआ और इसके वजह से शायद मेरा डैमेज काउंट नहीं हुआ। तो टू शॉटर से इतना गोली मारने की बात भी मतलब टू शॉटर से आपको पता ही होगा कि टू शॉटर का डैमेज कितना होता है। तो 4-5 गोली तो मैंने उसे मारा ही, फिर भी अगर ना मरा तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, मतलब पिंग की वजह से मतलब पिंग प्रॉब्लम है पूरा। तो इधर हो रहा है फिर से मतलब इस तरफ से, यहाँ पे मैंने ग्लोअल दे दिया, मुझे पता था इधर गोली चलाया तो मैं यहाँ से घूम के गया और इधर से मैंने मारा, एक गोली लगा तो फिर से पीछे आ गया यहाँ से और यहाँ पे ये मर गया। मतलब अच्छा हुआ कि 204 के पिंग में भी वो मर गया, मतलब अच्छा है। तो चलो ये है क्लॉक टावर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब मैं यहाँ पे देखो भाई, मतलब पूरा रेड नंबर निकल के आएगा और फिर भी मतलब वो बंदा नहीं मरेगा। ये एक गोली और ये देखिए भाई, फिर भी बंदा नहीं मरा। और यहाँ पे हो रहा है दुश्मनी क्रोनो की यूज़। तो क्रोनो की यूज़ कस्टम में होना नहीं चाहिए, मतलब ये आप लोगों को पता है, पर ये लोखंड नुबड़ा क्या है कि मतलब यूज़ कर रहा है क्रोनो का। तो यहाँ पे मैंने 2 गोली मारी, शायद एक गोली काउंट नहीं हुआ और एक गोली काउंट हो गया। तो यहाँ पे फिर से एक गोली और ये 8 पे मर गया, मतलब लास्ट का जो वो काउंटेशन था ना मतलब डैमेज, उससे मर गया वो। और ये मेरा बहुत पुराना गेम प्ले है तो मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, तो मैं दे नहीं पाया मतलब वो जो अच्छा गेम प्लेज है मेरा वो मैंने दे दिया, और ये बहुत पुराना गेम प्ले है तो यही कोई 3-4 महीने पहले का। तो यहाँ पे वो जो OB27 का अपडेट था उस शायद उसका ही पार्ट है ये, मतलब 1-2 महीने पहले का शायद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं देखो, यहाँ पे मतलब मैं कैसे
अखंड नूबड़े की तरह मर जाऊंगा। मतलब यहाँ पे मैं, यहाँ पे मतलब मेरा थोड़ा डैमेज हुआ, मैंने उसे रिकवर भी कर लिया। अरे मैं मर गया, पर मगर कैसे भाई। मतलब ठीक है चलो, उसका 5 हो गया, मेरा 2। यहाँ से मैं फाइट को होल्ड कर देता हूँ, क्योंकि आई नो कि मतलब मैं क्लोज रेंज में अगर फाइट लूँगा तो मैं, मेरी पिंग की वजह से मैं बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाऊँगा, क्योंकि क्लोज रेंज में मैं जितना भी डैमेज दूँगा उसको मतलब काउंट नहीं होगा। इससे अच्छा कि मैं लॉन्ग रेंज से ही जितना मारूँ वो शायद काउंट हो जाता है, और क्लोज रेंज में जाके अगर मैं उसे डैमेज भी करूँ तो उसका डैमेज होगा भी, अगर अगर हो गया तो भी। मतलब मेरा ग्लूवल अगर ना लगा तो समझ सकते हो आप लोग क्या हो सकता है मेरे साथ। मतलब बाकी तो पूरा का पूरा हिस्ट्री है। मतलब अभी देखो मैं होल्ड करके, फाइट होल्ड करके खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरा हाई पिंग है तो इसके वजह से मतलब मुझे फाइट होल्ड करना पड़ रहा है। वो खुले में खड़ा है पर मुझे ग्लूवल दे के जाना पड़ रहा है, एक ग्लूवल के बजाय इतने सारे ग्लूवल करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा मतलब एक बार दबाने से ग्लूवल्स नहीं लग रहा, तो इसलिए इतने सारे ग्लूवल्स देना पड़ रहा है। तो आप आई थिंक आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। अरे यहाँ पे मैंने फाइट एकदम होल्ड करके रखा है, छुपे छुपाए जा रहा हूँ, मतलब उसे पता है मैं कहाँ पे हूँ। तो मतलब मैं यहाँ पे देखो क्या होता है। अरे मैंने इसे डैमेज दिया, 2 गोली मार दी। क्रोनो भाई, जब सामने वाला बंदा क्रोनो चलाता है ना तब मेरी फटके रह जाती है। तो गाइज यार यहाँ पे आपको क्या लगता है दिस राउंड, मतलब इस राउंड कौन जीतेगा भाई, मतलब मैं या वो अपोनेंट वाला बंदा, तो 10 सेकंड्स के अंदर कमेंट कीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने बता दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे तो साले को तो एलिमिनेट करके ही मारूंगा, मार दिया एलिमिनेट करके। तो यहाँ पे ये राउंड जीता, जिसने भी लिखा है कि मैं जीता तो वो लोग सही है, और जिसने लिखा है ओपोनेंट बंदा जीतेगा तो वो गलत है। तो गाइज यहाँ पे ओपोनेंट वाला बंदा भी अच्छा खेलता है, मतलब ब्रदर है मेरा। तो गाइज यहाँ पे शुरू हो चुका है दूसरा राउंड। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है आगे जाकर कि भाई यार, मतलब मैं यहाँ से मतलब इतनी लॉन्ग रेंज से मैं MP40, मतलब नॉर्मल MP40, नो स्किन वाला MP40, तो उससे मैं इतनी लॉन्ग पे फाइट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं भी क्या कर रहा हूँ यार। तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो इससे मैं यहाँ पे 2 डैमेज, 2 गोली लग गया, और रिलोड करके फिर यहाँ पे ग्लूवल कितना लेट लगा, फिर यहाँ पे फिर ख़त्म, गया टाटा वैनिश सब गया। भाई मतलब इतना देर वो जीत रहा था पर अभी मैं जीत रहा हूँ। तो आगे जाके देखिए कौन जीतता है, मतलब वीडियो छोड़ के मत जाना प्लीज़। और गाइज यू नो मेरा मतलब वोडाफोन का बहुत सारा प्रॉब्लम है, मतलब आज मतलब जिस दिन मैं इसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस दिन मतलब आज मैं सुबह से फ्री फायर एकदम नहीं खेला, क्योंकि मतलब नेटवर्क इशू है, बहुत पूरा नेटवर्क दे रहा है। तो मैं यहाँ पे होल्ड फाइट होल्ड करके जा रहा हूँ आगे, तो नूबड़े कतई नूबड़े मुझे इमोट दिखा रहे हैं, वो जो इलाइट पास वाला इमोट था ना वो दिखा रहे हैं। तो हाँ याद आया, तो वो महीना था इसी इलाइट पास, मतलब पिछले इलाइट पास के भी पिछले, मतलब 2 महीने पहले, हाँ याद आया। तो गाइज यहाँ पे मैं मेडिकेट कर रहा हूँ, मेरा डैमेज, अरे भाई फिर से क्रोनो चला लिया चूतिया ने, तो मैंने यहाँ पे उसकी चूतिया काटने के लिए मतलब मैंने यहाँ पे मेरे आसपास ग्लूवल्स लगा दिए, और मैंने मेरे HP को भी फुल कर लिया, मतलब फुल तो नहीं किया, वो फुल हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास TP है अभी। तो यहाँ पे मैं ग्लूवल देते हुए जा रहा हूँ नूबड़ों के तरह। तो यहाँ पे वो किधर गया पता नहीं, मेरा ग्लूवल इतना लेट लग रहा है। ओ डिस्टिक मार दिया मैंने इसे। चलो तो आगे जाके देखते, तो मेरा भी 5, उसका भी 5, ठंड मोहिनाक मेरा मतलब इसका ये जिसका नाम आ रहा है तो वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके नाम से अकाउंट है, तो उसके अकाउंट में कस्टम कार्ड था, तो मैंने उसने मेरे को अकाउंट दिया, और मतलब उसने अकाउंट छोड़ दिया है, तो अभी वो फ्री फायर किसी दूसरे अच्छे अकाउंट में खेलता है। तो अभी मैं इस अकाउंट का यूज़ कर रहा हूँ, कस्टम बना के खेल रहा हूँ उससे, तो एक ही कस्टम कार्ड था इसमें। और यहाँ पे मैंने 2 गोली मार दी, बहुत लो डैमेज लगा, 3 गोली 4 गोली तो नहीं लगा, तो
इसने यहाँ पे पूरा पैक कर लिया खुद को, तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मुझे ढूंढ नहीं पाए, इसका कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये देखो हर तरफ मैं ग्लूअल दे दिया और यहाँ पे आके मैं खड़ा रहा ताकि वो मुझे देख ना पाए जंप करके भी। तो मैं यहाँ पे मेरा मेडिकेट करके फुल कर लिया मैंने HP। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो वहाँ से निकल गया, तो मुझे अभी जाना चाहिए। तो मेरा एक भी गोली नहीं लगा। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, मतलब देखो भाई, इस तरफ मैंने ग्लूअल दिया और उसकी चूतिया काटने के लिए मैंने यहाँ पे घूम के आया, वो भी घूम के मतलब इस तरफ से जंप किया, पर उसका गोली नहीं लगा। और ये हेड था यार, मतलब फिर भी नहीं मरा इतना डैमेज खाने के बाद भी। तो मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा भी इतू सा भी मौका देना नहीं चाहता। तो यहाँ पे गोल गोल रानी कितना कितना पानी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे पैक करके मेरा मेडिकेट करके मेरा HP फुल करने की कोशिश में, और मैंने HP फुल कर ली और गोली मतलब रिलोड भी कर ली। अब मैं कहाँ से जाऊँ, वो मतलब यार मतलब एकदम हीरो वाला एंट्री था, मतलब जोन में जाके एकदम मतलब मेरा 6 उसका 5 हो गया। तो गाइज आगे जाके देखो क्या होता है। यहाँ पे ये फैक्ट्री है भाई, मैं मार, अरे गधे के औलाद, अरे मैं बार बार मार्स इलेक्ट्रॉनिक को फैक्ट्री क्यों कह रहा हूँ यार, मतलब इसके साथ मतलब 1v1 में तो फैक्ट्री वाला जगह है शायद आया ही नहीं, शायद याद नहीं आ रहा, शायद आया होगा या नहीं। अरे फिर से क्लोनो चला लिया चूतिया, अरे पर मैं बुया यहाँ पे गाइज हो चुका है हमारा बुया। तो गाइज ये था आज का वीडियो, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा गुड बाय सी यू ऑल। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बाय बाय गाइज, बूम। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.